नमस्कार, बीडीटीवी की खास पेशकश तबियतपानी में आपका स्वागत है। भारत समेत दुनिया भर में हाल ही के वर्षों में तेजी से डायबिटीज के मामले बढ़ गए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों के मुताबिक लगभग 42.2 करोड़ से अधिक लोग इस गंभीर स्वास्थ्य समस्या से जूझ रहे हैं। भारत में भी मधुमेह तेजी से फैलने वाली एक घातक बीमारियों में से एक हो चुका है। भारत में 77 करोड़ से अधिक व्यसक मधुमेह के शिकार हैं। शोधकर्ताओं की अनुमान है कि साल 2045 तक ये आंकड़ा बढ़कर 13.4 हो सकता है। लोगों को मधुमेह के बारे में जागरूक करने के लिए हर साल 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। डायबिटीज से बचाव के लिए जीवन शैली और आहार में सुधार की आवश्यकता होती है। वहीं जो लोग पहले से डायबिटीज से पीड़ित होते हैं, उन्हें खान पान पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ डायबिटीज का जोखिम कम करने के लिए डायबिटीज रोगियों को कुछ पोषक चीजों का सेवन करने की सलाह देते हैं, जिससे ब्लड शुगर लेवल नियंत्रित रहे। जानते हैं मधुमेह रोगियों को किन चीजों का करना चाहिए सेवन। डायबिटीज के रोगियों के लिए हरी और पत्तेदार सब्जियों का सेवन लाभकारी है। हरी सब्जियां पौष्टिकता से भरपूर होती हैं और इनमें कैलोरीज भी कम होती हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञ इसी तरह की पौष्टिक सब्जियों को डाइट में शामिल करने की सलाह देते हैं। पालक, केले और पत्तेदार साग में विटामिन सी सहित कई विटामिन और खनिज पाए जाते हैं। रक्त शर्करा के स्तर को बढ़ाने से रोकने का काम हरी सब्जियां करती हैं। डायबिटीज रोगियों के लिए अंडा भी फायदेमंद है। अंडे का सेवन शरीर में सूजन को कम करने के साथ ही इंसुलिन संवेदनशीलता में भी सुधार करता है। एक अध्ययन के मुताबिक नाश्ते में अंडे का सेवन रक्त शर्करा के स्तर का प्रबंधन करने में मदद करता है। शरीर में प्रोटीन की आवश्यकता को आसानी से अंडा पूरा कर सकता है। एक शोध के मुताबिक नट्स रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित रखते हैं। नट्स को अपनी डाइट में शामिल जरूर करें। टाइप 2 डायबिटीज के मरीजों के लिए किए गए एक अध्ययन से पता चला कि मूंगफली और बादाम खाने से ब्लड शुगर के स्तर में कमी आती है। अखरोट का सेवन भी डायबिटीज के मरीजों के लिए काफी लाभदायक होता है। सब्जियों में भिंडी का सेवन भी सेहत के लिए फायदेमंद हो सकता है। भिंडी पॉलीसेकेराइड और फ्लेवोनॉइड्स एंटीऑक्सीडेंट्स का एक समृद्ध स्रोत है, जो रक्त शर्करा को कम करने में मदद करता है। भिंडी में एंटीबायोटिक गुण भी होते हैं। एक महीने रोजाना भिंडी का सेवन करने से ब्लड शुगर स्तर को कम किया जा सकता है। ये लेख मधुमेह रोग विशेषज्ञ के सुझावों के आधार पर तैयार किया गया है। हमारी स्टोरी प्रदत्त जानकारी व सूचना को लेकर किसी तरह का दावा नहीं करती और ना ही हम जिम्मेदारी लेते हैं कि इस रिपोर्ट में उल्लेखित और संबंधित बीमारी के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप अपने डॉक्टर से परामर्श लें। आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी, इस पर कमेंट जरूर करें और बने रहें बीडीटीवी भारत के साथ।